हे गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वाचिंग पेटशाला। तो आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा कहाँ गया था इतने दिन। तो गाइस, मैं बिजी था, मेरे भाई की थोड़ी वेडिंग थी तो उसमें बिजी था, और मेरा बिजनेस भी है तो उस चीज में भी मैं बिजी था, तो सॉरी उसके लिए। तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि अगर टर्टल्स को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो तो आप उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले हम जान के लेंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, और इसकी ट्रीटमेंट मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करनी है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी विंटर सीजन आ रहा है तो ठंडी अभी बढ़ रही है, तो ये सीजन में ये ज़्यादातर देखा जाता है कि टर्टल्स में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है। अलग जितनी ठंडी होगी, जितना क्लाइमेट कोल्ड होगा, उतनी ज़्यादा सर्दी लगेगी और आपका टर्टल बीमार हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसको सर्दी लग जाती है, और वो सर्दी ज़्यादा बढ़ने के बाद उसका लंग्स जो है वो पूरा भर जाता है इन्फेक्शन से, और धीरे धीरे वो खाना छोड़ देता है, उसके बाद उसकी डेथ होती है। तो उसमें सिम्टम्स आपको कैसे पहचानने हैं कि आपका टर्टल बीमार है, उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है। तो अगर आपने आपके टैंक में हीटर नहीं लगाया है या बास्किंग एरिया नहीं है, अगर ज़्यादा ठंडी है, ज़्यादा क्लाइमेट कोल्ड है, तो आपको उसके एनक्लोजर में, उसके टैंक में एक एक्वेरियम हीटर आता है वो लगाना है, या फिर आपको बास्किंग एरिया में हीट लाइट देना ही देना है, क्योंकि जब चाहे वो उसके नीचे जाके उसको बॉडी हीट कर सके और ठंडी को भगा सके। क्योंकि हमें भी जाहिर सी बात है कि क्लाइमेट चेंज होने के बाद ठंडी लगती है, नाक से पानी बहता है, तो वो केस उनके साथ भी होती है, एनिमल्स के साथ भी होती है, और कोल्ड ब्लडेड होने के कारण उनको एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सके। तो ये हर वीडियो में बताता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बास्किंग एरिया प्रोवाइड करना है और हीटर जो है वो बड़ा उसका टेम्परेचर आपको सेट करना है ताकि वो वार्म रहे। तो ये चीज़ें ना करने के कारण उसमें ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो आता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में जैसे मैंने बताया कि वो जो धीरे धीरे वो खाना छोड़ेगा, ज़्यादातर बास्किंग एरिया पे बैठेगा, या फिर पानी में है तो पानी में ही बैठेगा, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करेगा, उसके बाद उसके नाक से बबल्स कभी कभी निकलते हैं, उसके बाद ज़्यादा बढ़ने के बाद वो मुंह से सांस लेना चालू कर देता है, कुछ विसल जैसी आवाज़ आती है उसके मुंह से, और फिर लंग्स ज़्यादा भरने के कारण वो पानी में भी फ्लोट होता है, एक साइड में वो फ्लोट होता है, वो नीचे नहीं जा पाता है पानी के अंदर, कभी कभी वो पानी के अंदर जाते ही नहीं है, बास्किंग एरिया के ऊपर बैठते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स है आपके जो टर्टल है उसको होता है, ये सिम्टम है कि आपके टर्टल को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो चुका है। कभी कभी उनके आंखों में भी स्वेलिंग आ जाती है खाना ना खाने के कारण, या फिर पानी में पड़े रहने के कारण आंखों में भी धीरे धीरे स्वेलिंग आती है, और खाना ज़्यादातर वो छोड़ देते हैं क्योंकि खाते टाइम उनको तकलीफ होती है, जैसे कि हमें भी तकलीफ होती है अगर हमारा नाक ब्लॉक हो जाता है, तो हम भी कुछ खाते हैं तो कभी कभी एकदम घुटन जैसे महसूस होती है, तो सेम उसी तरह से उनको भी होती है और वो खाना छोड़ देते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, ये भी एक बड़ा साइन है। और बास्किंग एरिया पे बैठेंगे, पानी में बैठेंगे, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करेंगे, मुंह से सांस लेंगे, विसल जैसी साउंड आएगी, बार बार मुंह खोलेंगे और सांस लेंगे, तो ये सारे सिम्टम्स हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के। और जैसे मैंने बताया कि ये क्यों होता है, तो अभी मैं आपको ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी ट्रीटमेंट है, आप आपके टर्टल को घर पे दे सकते हैं अर्ली स्टेजेस में, या फिर थोड़ा बढ़ने के बाद भी आप देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बढ़ने के बाद आपको आपके टर्टल को वेट के पास ही लेके जाना है, उसमें आपको उसे एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना पड़ेगा, उसको इंजेक्शंस लगेंगे, तो आपको वो करना है, लेकिन ये 3 से 4 दिन में आपका टर्टल ज़्यादातर ठीक हो जाएगा, और ये मेडिसिन भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है मॉक्स 250 mg, जी हाँ, इसमें 500 भी आता है और ये 250 mg भी आता है। तो बेबी टर्टल हो या बड़ा टर्टल हो, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये एंटीबायोटिक है, 250 mg ही है, 500 mg भी आता है इसमें। अगर आप वो यूज़ करते हो तो उसको कैसे यूज़ करना है, क्या है वो मैं आगे बताऊँगा ही, लेकिन ये मेडिसिन है मॉक्स 250 mg जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये बस 37 rupees की है, आपको 30 rupees, 35 rupees, 32 rupees में डिस्काउंट करके वो मिल जाएगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको ये किसी भी
किसी भी मेडिकल शॉप में, जो ह्यूमंस के मेडिकल शॉप होते हैं उसमें आपको इजीली मिल जाएगी, तो इसमें तकलीफ नहीं होती है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको ट्रीटमेंट कैसे देनी है आपके टर्टल को। तो ये देखिए गाइस, ये गोली कुछ ऐसे दिखेगी, स्क्रीन पे तो आपको दिखी थी, लेकिन ये टैबलेट कुछ ऐसे दिखेगी, मॉक्स 250 mg। ये आपको एक ही यूज़ करनी है। तो ये देखिए, मैंने ये इतना पानी यूज़ किया है, आपको दिखा देता हूँ। देखिए मेरा टर्टल छोटा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे टर्टल को तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं बस आपको दिखाऊंगा, मैं मेडिसिन इस पानी में नहीं यूज़ करूंगा, बस इतना पानी है क्योंकि मेरा टर्टल छोटा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए गाइस, जैसे कि अब आप पुराने व्यूवर्स होंगे तो आपको पता होगा कि हमारा ये नया बेबी टर्टल है, इसको मैंने नींद से उठाया है, सो सॉरी बेबी। तो अभी देखिए, एक आँख बंद है उसकी और एक खुली है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए खोल दिया उसने आँख। तो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं इसमें गोली ऐड नहीं करूंगा गाइस, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना पानी रखना है। देखिए अभी मैंने इसके अंदर रखा है, तो मैंने लूक वार्म वाटर यूज़ किया है, बहुत ही कम लूक वार्म, मतलब ज़्यादा भी गर्म नहीं और ज़्यादा भी कोल्ड नहीं, एकदम हल्का गुनगुना पानी यूज़ करना है, और इतना पानी यूज़ करना है कि आपका टर्टल उसमें डूबे, लेकिन वो अपना मुंह जो है वो इजीली उसके अंदर से, पानी के अंदर से बाहर निकाल पाए, इतना पानी आपको रखना है। आप चाहे तो इससे कम भी ले सकते हैं, आपके टर्टल के हिसाब से लेना है, लेकिन आपको आइडिया आनी चाहिए कि वो जो है वो मुंह आराम से निकाल सके, और उसका जो मुंह है वो पानी के अंदर डूबा भी रहना चाहिए जब वो मेडिसिन के पानी में हो। तो उसको आपको मेडिसिन डालने के बाद, एक मेडिसिन, एक जो कैप्सूल है वो खोल के आपको इसके अंदर डालनी है कम्प्लीटली, और अच्छे से मिक्स करके फिर आपको आपके टर्टल को उसके अंदर रख देना है। तो ये चीज़ आपको सुबह करनी है, रात भर आपके टर्टल को आपको ज़्यादातर ड्राई ही रखना है, जितना आपका टर्टल ड्राई रहेगा उतना वो प्यासा भी रहेगा, और प्यासा रहने के कारण जब आप सुबह उसको पानी में रखोगे तो वो जो पानी है वो थोड़ा तो वो कंज्यूम कर लेगा। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आपके टर्टल को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो तो ज़्यादातर आपके टर्टल को पानी के बाहर ही रखें, क्योंकि जितना आप पानी में रखोगे उतना उसका इन्फेक्शन बढ़ता रहेगा। तो जब भी आपको उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दिखे तो पानी के बाहर रखें, बस उसको हाइड्रेट करने के लिए एक या दो बार पानी में ऐड करें, और कैरेट सोप भी उसको देना है ताकि वो कुछ ना कुछ उसके पेट में जाए। तो कैरेट सोप के ऊपर हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो उसको जो खाने की कमी है वो कैरेट सोप से पूरी हो जाती है, और ज़्यादा पानी के अंदर रहने से भी उसकी बीमारी जो है वो ठंडी जो है, जो कोल्ड है वो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है कि हमारे में भी वही होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, हाइड्रेट करने के लिए उसको दो बार बहुत है दिन में आप उसको रखें, और रात भर इस चीज़ का ध्यान रखिए, उसको ड्राई रखें, और सुबह लूक वार्म वाटर में उसको ऐड करें ताकि वो पानी जो है मेडिसिन वाला वो कंज्यूम कर ले। आप चाहे तो उसे 45 मिनट्स, 30 मिनट्स, एक घंटे के लिए भी उस पानी में रख सकते हैं, उसके बाद आप उसको निकाल दें और वो पानी फेंक दें। दूसरे दिन भी वही ट्रीटमेंट करनी है, तीसरे दिन भी वही ट्रीटमेंट करनी है, और आपको देखना है कि वो रिजल्ट कैसा है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन आप वो ट्रीटमेंट करें और देखें कि रिजल्ट कैसा है। अगर कुछ भी असर नहीं होता है, देखिए ज़्यादातर इसका असर होता है क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये बर्ड्स के लिए भी बहुत बार यूज़ होती है, मैं भी करता हूँ और मैंने भी किया है, मेरे बजिस के लिए भी यूज़ करता था, और अभी टर्टल्स के लिए भी ये यूज़ होती है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ट्रीटमेंट करें, जैसे मैंने बताया कि लूक वार्म वाटर में एक टर्टल को रखना है, आपके जो भी इन्फेक्टेड टर्टल है उसको रखें, और वो देखिए ईजीली वो पानी में से सिर बाहर निकल पा रहा है। तो ऐसे ही आपको रखना है उसे, और वो कंज्यूम कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30-45 मिनट्स या एक घंटा उसको रखना है, लेकिन मैं ज़्यादातर कहूँगा कि जितना आप 45 या 30 मिनट्स रखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये पानी भी जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा, तो उससे अच्छा है कि आप उसको जल्दी बाहर निकालें और उसको ड्राई रखें। और गाइस एक बात का ध्यान रखें, बस इतना करने से ही आपका टर्टल ठीक नहीं होगा, आपको सनलाइट भी देनी है, उसको हीट प्रोवाइड करनी है, जितना हो सके आप उसे सनलाइट दें,
सनलाइट के ऊपर भी बहुत ही डिटेल वीडियो है कि आप आपके टर्टल को कैसे सनलाइट दे सकते हैं, सही तरीका क्या है सनलाइट देने का, तो उस हिसाब से आप आपके टर्टल को सनलाइट दें। तो सनलाइट भी एक ट्रीटमेंट का ही पार्ट है, तो उसको सनलाइट देनी है। अगर वो नहीं दे पा रहे हो तो हीट लैम्प या यूवीबी लैम्प जो है वो दे, उससे आपके टर्टल की रिकवरी जो है वो फास्ट होगी। तो आप ऐसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं आपके टर्टल को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में। ये बहुत ही चीप एंड बेस्ट ऑप्शन है आपके टर्टल्स के लिए, तो आप ये करके देखें अगर आपका टर्टल इन्फेक्टेड है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से। तो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स ना मिस करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।